एज्यूम्ड मीन मेथड। अब एज्यूम्ड मीन मेथड में अपन करते गए, देखो अभी तो डायरेक्ट मेथड में अपन क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, ठीक है, क्या फाइंड करने के लिए, मीन फाइंड करने के लिए, एक्स बार फाइंड करने के लिए। अब आंसर वही आएगा एज्यूम्ड मीन मेथड से भी, अपन को सिर्फ मेथड चेंज कर देना है, अपन को यहाँ पे डी आई फाइंड करना पड़ेगा, और ये डी आई कहलाता है डेविएशन। क्या कहलाता है? डेविएशन, स्टेप डेविएशन नहीं, सिर्फ मीन डेविएशन यू कैन से डेविएशन, ठीक है, सिर्फ डेविएशन। हाँ तो देखो सबसे पहले क्लास इंटरवल दिया, वही सेम क्वेश्चन लास्ट वाला ले रहे हैं, क्लास इंटरवल दिया 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, ऐसा क्लास इंटरवल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट वही दिया है, फ्रीक्वेंसी तुम्हारी 2, 3, 7, 6, 6, 6। सो यहाँ पे समीशन एफ आई फाइंड कर लोगे, समीशन एफ आई निकल जाएगा, कितना आ रहा था इसका, नहीं 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 30, कितना आ रहा है 30, ठीक है, 6, 3 जा 18, 7, 25, 3 एंड 2, 30। सो ये मेरा फ्रीक्वेंसी का सम आ गया। इसके बाद अपन को एक्स आई अपन को चाहिए, यहाँ से ये एफ आई है मेरा, सो एक्स आई कैसे निकालोगे, क्लास मार्क, क्लास मार्क आपको पता है दोनों का प्लस करके और 2 से डिवाइड किया 17.5, दोनों का प्लस किया 32.5, इस तरीके से क्लास मार्क निकाल लोगे एक्स आई। अब एज्यूम्ड मीन मेथड में करना क्या है आपको, कि जो क्लास मार्क निकला है इसकी कोई बीच की वैल्यू आपको एज्यूम करनी पड़ेगी, जैसे बुक में एज्यूम किया है फॉर एग्जाम्पल 47.5, ये वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितने 6 हैं। अब इसने बुक में एज्यूम कर लिया 47.5, ये मेरा जो एज्यूम कर रहा हूँ उसको मैं डिनोट करता हूँ ए से, ठीक है। तो यदि मैं बुक का ना लेके बीच की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ कितना 62.5, ये मैं एज्यूम कर लिया, कोई भी बीच की वैल्यू हो सकती है, तो ये मैंने एज्यूम किया दैट इज़ माई ए। और फिर आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, डेविएशन, डेविएशन निकलता है डी आई इक्वल्स टू में एक्स आई माइनस का जो आपने एज्यूम किया है, आपने क्या एज्यूम किया ए, यहाँ पे जो भी आप एज्यूम करोगे, मैंने एज्यूम किया 62.5, क्लियर। सो डी आई यहाँ से निकाल लो, डी आई कैसे निकलेगा फर्स्ट वाले का, एक्स आई, एक्स आई यहाँ पे क्या है 17.5, ठीक है, पहले वाले का यहाँ पे 17.5 में से माइनस क्या कर रहे हो जो आपने एज्यूम किया है, क्या 62.5, तो कितना आएगा 0.5 गया वहां से 62, तो यहां से 50 45, कितना आ जाएगा 40 55 आएगा 45, हाँ, सो यहां से माइनस 45, देन अगेन, तो आगे नहीं लिखना था, सॉरी यहीं पे लिखना था माइनस 45, कितना है ये। अब इसके लिए वही 32.5 माइनस 62.5 कितना आएगा, नहीं 5 से 5 गया 30, कितना आएगा माइनस 30, देन 62.5 किससे माइनस करना है, अब 47.5 से, यहाँ पे ध्यान से देखो 47.5 माइनस 62.5 कितना देगा, 15 का गैप आ रहा है, तो और 15 माइनस कर दो, माइनस का 15, देन यहाँ पे 62.5 एज्यूम किया था, 62.5 से ही माइनस करना है 0, देन इसके बाद आएगा, देन इसके बाद एक बार जो सीरीज बन जाती है उसी हिसाब से आगे लिखने, टाइम वेस्ट नहीं करना है, माइनस 45, देन माइनस 30, माइनस 15, 0, 15, 30, हाँ एक सीरीज से आएगा, क्योंकि हमारे इंटरवल भी, हमारे इंटरवल भी कैसे होते हैं, इक्वल इंटरवल पे होते हैं। इधर देखो, अब आपको फाइंड क्या करना है, आपके पास डी आई है, आपके पास एफ आई, अब आपको फाइंड करना है एफ आई डी आई, सो एफ आई डी आई मल्टीप्लाई कर लो 2 × 45, दैट विल गिव यू माइनस, देन 3 × 3, 3 जा 9, देन 7, 15, ठीक है, देन 6, 0 जा, देन 6, देन, ठीक है, सो एफ आई डी आई निकल आया। लास्ट में अपन को निकालना क्या है, समीशन एफ आई डी आई, क्लियर।
तो समेशन एफ आई डी आई, देखो 90 और ये 90 कैंसिल आउट हो जाएंगे जब मैं सम करूंगा। यहां से एक मिनट 105 और ये 90 है, 195 बनेगा माइनस का, और इधर पे 180, सो 15 एक्स्ट्रा है, माइनस का 15 क्या, माइनस का 15 समेशन एफ आई डी आई आ गया। और समेशन एफ आई आपने निकाल लिया था। फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम्ड मीन मेथड में? एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू में ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन का समेशन एफ आई, ठीक है। तो अब यहां पे ए आपका क्या है, ए आपने क्या माना है 62.5, और समेशन एफ आई डी आई कितना आया माइनस 15, समेशन एफ आई 30। सो व्हेन यू ओपन दैट ब्रैकेट, सो माइनस 15 अपॉन 30, 15 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5, सो कितना देगा ये आंसर 62, माइनस कर रहे हो। सो इस तरीके से आप एज्यूम्ड मीन मेथड आपको लगाना है। कोई दिक्कत है, समझ में आया? ए में कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पे मान लो कि ये लास्ट वाला वैल्यू नहीं होता, ठीक है। सपोज कितने होते, पांच ही होते, तो पांच का बीचों बीच ले लेते 47.5, कोई दिक्कत नहीं थी। मान लो छः, अब बीचों बीच का आप नहीं फाइंड कर पा रहे, तो आप कोई भी ले सकते हो दो में से, 47.5 या 62.5, थोड़ा सा और ऊपर भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, 32.5 भी ले सकते हो। फर्स्ट और लास्ट छोड़ देना, बाकी आपका आ जाएगा।